गाइज, अगर आपकी फ़ोन में रैम कम है एंड उसके कारण से आप किसी भी हाई क्वालिटी गेम को अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर पाते हो, एंड गाइज अगर आप प्ले करते भी होंगे तो आपको काफ़ी सारी लैगिंग एंड हाई ग्राफिक प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी, तो गाइज अगर आप चाहते हो इसे ठीक करना तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद गाइज आप अपने फ़ोन में किसी भी हाई क्वालिटी गेम को आसानी से खेल सकते हो, जैसे फ्री फायर, पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई और सा भी गेम। गाइज आपको इसमें काफ़ी अच्छी ग्राफिक भी देखने को मिलेगी, तो गाइज वीडियो को ध्यान से देखना। एंड हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर से लाइक करना। गाइज हमें अपने लो बजट वाले फ़ोन में विदाउट लैग एंड हाई ग्राफिक के साथ पबजी या फिर फ्री फायर गेम को खेलना है तो सिंपली हमें इसके लिए एक ऐप्स को डाउनलोड करना है जिसे हमें प्ले स्टोर से जाके करना होता है। तो सिंपली गाइज हमें प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, एंड गाइज प्ले स्टोर को ओपन करोगे तो आपको यहाँ से गेम बूस्टर फ्री फायर जेफएक्स करके एक ऐप होगी, उसे आपको सिंपली गाइज आपको डाउनलोड कर लेना होता है। बट गाइज आप इसे नाम से सर्च मत करना, नहीं तो आपके सामने बहुत सारी ऐप्स खुल के आ जाएंगी। मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप सिंपली वहां से टैप करके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइज अभी मत करना, अभी आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आप इसकी सेटिंग को सबसे पहले आप समझ लेना एंड उसके बाद ही गाइज आप इसे जाके डाउनलोड करके यूज़ करना। तो गाइज सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद गाइज आपसे ये कुछ एक्सेस मांगेंगी, तो आपको सिंपली इसे अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देना होता है। एंड स्टार्ट करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलेगी। गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये एप्स बिल्कुल फ्री है, तो आपको इसमें थोड़ी बहुत एड्स देखने को मिलेगी, तो आप इसे मैनेज कर लेना। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी गेम को इसमें खेलना है विदाउट लैग एंड हाई ग्राफिक के साथ, तो सिंपली गाइज आपको यहाँ से उस गेम को सबसे पहले गाइज आपको ऐड कर लेना है। तो गाइज आप यहाँ से जिस भी गेम को ऐड करना चाहते हो उस गेम को ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से गाइज पबजी को ऐड कर लेता हूँ, आप भी शायद इसी को ऐड करोगे या फिर फ्री फायर को, तो गाइज आप इसे ऐड कर लेना है। एंड इस तरीके से फिर से बैक आ जाना है, एंड बैक आने के बाद गाइज आपको चले जाना है बूस्ट पे। एंड बूस्ट पे जाने के बाद गाइज आपको इसे थोड़ी देर के लिए बूस्ट होने देना है, ये कुछ सेकंड लेगा एंड उसके बाद ये बूस्ट हो जाएगी। तो गाइज आपको यहाँ से ऐड देखने को मिलेगी, तो आप इसे कट कर देना। एंड कट करने के बाद गाइज ये देख सकते हो ये बूस्ट हो रही है, एंड गाइज ये हो चुकी है नेटवर्क के लिस्टर करके आप ऊपर में देख सकते हो ये, तो आप इसे सिंपली बैक कर देना। एंड उसके बाद गाइज आपको आ जाना है GFX टूल पे, एंड यहाँ से गाइज आप इसकी रिजोल्यूशन FPS एंड ग्राफिक्स को सेट कर सकते हो। तो गाइज मैं इसे डिफ़ॉल्ट में ही रहने दूंगा, तो आप अगर चाहो तो आप इसे कम बेस कर सकते हो। तो सिंपली मैं बैक आ जाऊँगा, एंड बैक आने के बाद गाइज आपको उसके बाद चले जाना है अल्ट्रा बूस्ट पे। एंड अल्ट्रा बूस्ट पे आने के बाद गाइज आपको इसे एक्टिवेट कर देना है, तो गाइज ये कुछ सेकेंड लेगी एंड उसके बाद ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको गाइज यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगी, तो आप इसे कट कर देना इस तरीके से। एंड कट करने के बाद गाइज ये देख सकते हो एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब इसे बैक कर देना। एंड बैक करने के बाद गाइज ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है, अब गाइज आप इसमें किसी भी गेम को ओपन करके खेल सकते हो। तो गाइज आप कुछ इस तरीके से इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।